परम पूज्य श्री श्रीमद भक्ति चारु स्वामी गुरु महाराज के जय। श्रील गुरु महाराज महान भगवत भक्त थे और गुरु महाराज संपूर्ण विश्व में कृष्ण भक्ति प्रचार किया। श्रील गुरु महाराज प्रभुपाद जब प्रभुपाद था उनकी सेवा कर रहा था और इसके बाद श्रील गुरु महाराज श्री श्रीमद भक्ति चारु स्वामी गुरु महाराज संपूर्ण विश्व में कृष्ण भक्ति प्रचार किए हैं और उनका कितना सुंदर मिष्टे मीठे और अमृत शब्द कृष्ण कथा जो जिन्होंने सुना है उनका दिल शुद्ध हो गया और उनका दिल सारे मैला साफ होकर शुद्ध हो गया और स्वयं भगवान विराज करने लगे। तो गुरु महाराज की जो वाणी है आवाज़ है शब्द है इतना अमृत है, अमृत जो पिए वो अमर हो जाते हैं। इसी प्रकार से गुरु महाराज का गुरु महाराज श्री मुख से जो भगवान की कथा सुने हैं जो भी भाषा हो क्या इंग्लिश क्या हिंदी क्या बंगाली इतना सुंदर मीठा भाषा में गुरु महाराज कृष्ण कथा सुनाता था जो दिल सो जाता था। तो काल परम पूज्य श्री श्रीमद भक्ति चारु स्वामी गुरु महाराज के व्यास पूजा महोत्सव है तो आप सबसे गुरु महाराज जो मुझे वही तो कृपा किया है उनका सेवा करने का मौका मिला है इसके ऊपर थोड़ा हम चर्चा करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर मिलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिचारु स्वामीते नामिने स्निग्ध चेता शुभ्र नेता भग्निनांच रसावृतम प्रोपाद्गत प्राण नमी भक्ति चारु पदम। श्रील गुरु महाराज मैंने गुरु महाराज का जो अमृतमय लीला है गुरु महाराज का कितना सुंदर भजन कीर्तन हमने तो पहले ही सुना था। तो हमने गुरु महाराज को जब दर्शन किया हमें इतना शांति अनुभव हुआ और हमें लगा कि हमें इस दुनिया से इस संसार से उद्धार करके लेके जाने के लिए भगवान श्री कृष्ण गुरु महाराज को भेजा और गुरु महाराज आए जैसा मैं जैसा पापी को उद्धार करके गोलोक धाम लेके जाने के लिए। तो उस समय जब गुरु महाराज का दर्शन किया तो ऐसा दर्शन तो हुआ लेकिन बात नहीं हो पाया। तो 2009 में गुरु महाराज के साथ पहली बार बात हुआ था तो गुरु महाराज ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है तुम कहाँ रहते हो क्या करते हो। तो हमने बताया था दीक्षा उस समय 2009 में जब हमारा दीक्षा हो रहा दीक्षा के समय गुरु महाराज जब पूछा तो फिर दोबारा गुरु महाराज से मीटिंग हुआ और गुरु महाराज से फिर से हमने गुरु महाराज से सबको पूछा ऐसा कोई है जो दीक्षा के अभी आज दीक्षा के लिए हमने बात नहीं किया परिचय नहीं हुआ। तो हमने कहा था गुरु महाराज हमारा परिचय नहीं हुआ। तो गुरु महाराज ने कहा तुमसे पहले मेरा परिचय हो गया और इसके बाद फिर हम गुरुमास फिर हमारा एक भक्त था उन्होंने हम तो पहले 2007 में उज्जैन आने के लिए विचार बनाया था लेकिन फिर आए नहीं। और फिर जब हम 2008 को हमें दीक्षा होना था लेकिन उस समय श्री श्रीमद जयप्रदा स्वामी गुरु महाराज पहले बार बॉम्बे में तो उनका हेल्थ खराब हुआ था बीमार हुआ था असुस्थ लीला कर रहा था शुरू किया
इस कारण से गुरुमास ने हमारा दीक्षा अनुष्ठान कैंसिल कर दिया था। तो फिर दोबारा फिर हमें 2009 में हमें दीक्षा हुआ। तो गुरु महाराज इतना कृपामय और इस तरह से फिर हमें गुरु महाराज के पास दीक्षा लिया। और हमने जब उज्जैन आना था तो हमें एक भक्त ने बोला कि अभी मत जाओ, दीक्षा लेके फिर उज्जैन जाना। तो सीनियर भक्त सीनियर गुरु भाई है तो उन्होंने जब हमें मना किया तो हमने रुक गया था। और फिर जब गुरु महाराज फिर हम जब गुरु महाराज से मिलने गया था तो उन्हें उसी समय वो जो भक्त में मना किया था अभी उज्जैन मत जाओ दीक्षा लेके जाओ, वही भक्त गुरु महाराज को बोला गुरु महाराज सात्विक उज्जैन जाना चाहते हैं, सेवा करना उज्जैन जाना उज्जैन मंदिर में सेवा करना चाहते हैं। तो फिर गुरु महाराज ने बोला ठीक है। फिर से गुरु महाराज से पूछा था क्या नाम है का सब पूछा और गुरु महाराज बोला कि ठीक है तुम उज्जैन में आओ और सेवा करो। फिर उस समय भक्ति प्रेम स्वामी महाराज का पहला नाम था इस गंगानंद प्रभु। तो उस समय गुरु महाराज बोला कि गंगानंद सात्विक को उज्जैन जाने का व्यवस्था करो। और उस समय फिर जो गंगानंद प्रभु उस समय का टाइम प्रेसिडेंट था आप महाराज हैं तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप उज्जैन आने का तैयार हो जाओ। तो इस तरह से हमने फिर उज्जैन में आया। और जब उज्जैन में आए थे गुरु महाराज जिस दिन हम उज्जैन में रात को पहुंचा ऐसा कलकत्ता से जो उज्जैन का ट्रेन होता है रात को पहुंचता है उज्जैन में 12-1-2 बजे के आसपास पहुंचते हैं। तो हमने फिर रात को सोया नहीं था तो रात वहाँ पे उज्जैन में जाके फिर नहा के माला जप किया फिर मंगलाती अटेंड किया फिर मंगलाती के बाद जप क्लास फिर भागवतम क्लास फिर भागवतम क्लास। उस समय गुरु महाराज उज्जैन में था जिस दिन हमने उज्जैन में पहला बार गया था। तो उस समय गुरु महाराज फिर भागवतम क्लास में पूछा सबको पूछा क्या तुम सब छात्री को स्वागत किया। तो फिर गुरु महाराज ने कहा कोई बात नहीं दिल तुम सब अपना दिल से छात्री को स्वागत करो वेलकम करो। तो इसका रिकॉर्डिंग अभी भी है मोबाइल में रिकॉर्डिंग है जो उस समय के क्लास का रिकॉर्डिंग भागवतम क्लास में गुरु महाराज ने ये बात कहा था। और इसके बाद हम गुरु महाराज के जो पादों का जिसको हम बोलते हैं चप्पल वो गुरु महाराज जब भी रूम से मंदिर जाना है या कोई बाहर जाना है तो हम गुरु महाराज का पादों का चप्पल गुरु महाराज को पहनाता था। फिर जब मंदिर में जाता था फिर मंदिर से जब वापस आता तब भी हम पहनता था। उस समय गुरु महाराज का जो फूल की माला है वो हमें पहना कर देता था। इस तरह से गुरु महाराज का सेवा कर ही रहता कंटिन्यू। फिर गुरु महाराज का कपड़ा धोना आयरन करना उस सेवा भी हम कर रहा था। गुरु महाराज का किचन में बर्तन साफ करना सारे सेवा कर रहा था। और गुरु महाराज बीच में दो एक बार पूछा भी था कैसे हो अच्छा लग रहा है ना उज्जैन में। गुरु महाराज हाँ अच्छा लग रहा है हमें बहुत हम ठीक हो अच्छा लग रहे हैं। तो इस तरह से गुरु महाराज की सेवा कर ही रहा था। तो ऐसा तो गुरु महाराज की बहुत सारी सेवा हमने करना गुरु महाराज का बहुत सेवा करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ था। हमने करने का हमें मौका मिला गुरु महाराज ने मौका दिया गुरु महाराज की सेवा करने के लिए। बस एक सेवा बोल के ख़त्म कर दो क्योंकि रिकॉर्डिंग बड़ा होगा फिर फेसबुक में व यूट्यूब में अपलोड नहीं होगा। अगर आप पर्सनल जानना चाहते हो तो मुझे कॉल कर लेना कॉल कीजिए +91942504546 इस नंबर में कॉल कीजिए और जो भी आप जानना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो गुरु महाराज दोपहर का समय प्रसाद ले रहा था मैं भी गुरु महाराज का पास में था और भी भक्ति प्रेम महाराज भी था और भक्त था। तो ऐसे ही गुरु महाराज का प्रसाद तो अलग से बनता ही है लेकिन जो राजभोग सापन भोग राजभोग का जो प्रसाद होता है वो भी एक प्लेट में बना सजा के लेके आते हैं और गुरु महाराज को दिखाते हैं जो गुरु महाराज आप क्या लेंगे। तो गुरु महाराज कभी कुछ लेते हैं कभी तो लेता है भी नहीं कभी कुछ लेते हैं थोड़ा सा। तो उस दिन तो गुरु महाराज चाटनी ले आता जो चाटनी होता है मैंगो का चाटनी टोमेटो का चाटनी जो हम बनाते हैं। तो उस समय जब चाटनी ले आया तो उसमें रेड चिली था रेड चिली चाटनी में था। तो उसमें गुरु महाराज ने कहा कि चाटनी में चिली मत डालो डालने के लिए मना करो। तो फिर गुरु महाराज ने कहा भगवान
मीठा खाना में पसंद करते हैं, तीखा नहीं खाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का मीठा पसंद है, तीखा पसंद नहीं है। और इसी वो ये बात इसी कारण से श्रीमद भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज जब गुरुमास के लिए आप मंदिर में अपना भक्त अपना सेवक गुरुमास के लिए कुकिंग करते हैं, भोग बनाते हैं व कुकिंग करते हैं, तो उसमें कोई चिली यूज़ नहीं था, क्या ग्रीन चिली, क्या चिली पाउडर, क्या रेड चिली, बिल्कुल भी व्यवहार के मतलब सब्जी में नहीं डालते हैं। लेकिन अगर किसी घर में जाते हैं व कोई जगह में जाते हैं, फिर तो जो भी प्रसाद गुरुमास को देते हैं गुरुमास पा लेते हैं, चिली भी पा लेते हैं। लेकिन पर्सनल सेवक जब बनाते हैं तो गुरुमास चिली उसमें चिली नहीं होता है और गुरुमास नहीं पाते हैं। तीसरे से फिर जब गुरुमास कहा कि भगवान कृष्ण को स्वीट मीठा पसंद है, तीखा पसंद नहीं है, चिली पसंद नहीं है, तो उस समय भक्ति प्रेम स्वामी महाराज जो उस समय का गंगारामपुर था, तो उन्होंने कहा कि गुरु महाराज सात्विक जब भगवान के लिए कुकिंग करते हैं बहुत ज़्यादा चिली डालते हैं, मिर्चा डालते हैं। तो गुरुमास ने कहा कि नाम तुम्हारा सात्विक है, क्या चिली तीखा सात्विक है, उधर राजसिक है, तो तुम्हारा नाम सात्विक और तुम बहुत ज़्यादा तीखा डालते हो, तो ये तो राजसिक है। तो ये बात जब गुरुमास ने कहा तो गुरुमास ने कहा हमने तो सुना है, तो ऐसे गुरुमास हंस के बोल रहा था कि नाम सात्विक है और तुम खाना बनाते हो राजसिक तीखा बनाते हो। तो हमने गुरुमास ने कहा हमने बात सुना और चुपचाप वहाँ पे बैठा था, तो फिर गुरुमास ने प्रसाद पा लिया और फिर हम उन प्लेट लेके गया। तो इसके बाद जब हम भगवान के लिए कुकिंग किया था महीना तीन चार महीना हमने बिल्कुल भी चिली इस सब्जी में नहीं डालता था, क्योंकि गुरुमास ने माना किया भगवान का मीठा पसंद है तीखा पसंद नहीं है। लेकिन हमने फिर चिली सब्जी में डालना छोड़ दिया। अब क्या है, जब ज़्यादा घी और काजू मगज का फ्रेश डालते हैं, बस जिंजर डालते टमाटर डालते हैं, उसमें का चिली नहीं डालोगे तो टेस्ट नहीं होते। ऑयल चिली एंड मसाला ये तीनों जब मिसिंग अच्छा से होते हैं तभी वो खाना स्वादिष्ट बनते हैं। आपने बहुत तेल डाल दिया लेकिन उसमें मसाला नहीं डाला तो फिर खाना टेस्ट नहीं होगा, और आपने बहुत सारे मसाला डाल दिया तेल नहीं डाला फिर भी नहीं बनेगा। तो इसलिए एक सब कुछ का एक अच्छा परफेक्ट मेजरमेंट होता है। तो हमने तीन चार महीना वो चिली डालना छोड़ दिया था, फिर बाद में फिर से हमने डालना शुरू किया क्योंकि कुकिंग इतना ठीक नहीं हो रहा था, वो हमारा विचार था, दुष्ट बुद्धि का दुष्ट मन दुष्ट विचार है। तो ऐसा हजारों लीला भगवान गुरुमास के बारे में याद है, गुरुमास ने हमें कृपा किया है, लेकिन बोलने में बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो आप सब मुझे आशीष दीजिए कि मैं जब तब जियो गुरुमास के चरण में रह के राधा कुंड में रह कर भक्ति में जीवन पालन करके गुरुमास मुझे गोलोक धाम लेके जाए, ये सब आप आशीष दीजिए। हे गुरुमास आप मुझे कृपा करके इस दुनिया से छूट लेके गोलोक धाम में छोड़ दीजिए, और गोलोक धाम में इस दुनिया से मुझे गोलोक धाम लेके जाए, क्योंकि इस दुनिया में इतना दुख है हम और सहन नहीं कर पा रहा हो, हमारा शरीर भी सफर मतलब हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। आप सब अच्छा भक्त बने, मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से, और आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं भी अच्छा भक्त बनूँ। हरे कृष्ण, श्रील गुरु महाराज की जय, श्रील भक्ति चारु स्वामी गुरु महाराज की जय, जगत श्रील प्रभुपाद की जय, समेत गौर भक्तबिंद की जय।